कुजूर कुमार मुंडा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कहा था। परमेश्वर के धन्यवाद हो कि आज इस पवित्र दिन में अपन बेटा बेटी मन के, अपन श्रद्धालु मन के, आज के इस पवित्र सभा के आराधना में उकर स्तुति करे, उकर वचन सुने लगिन सुजोग मौका दिलाए सकल उस प्रेमी पिता के लाख लाख धन्यवाद देना। इकर साथ मैं रौरे मन के भी जितना छोटे बड़े संत उपस्थित हुई ही सबके भी तहे दिल से स्वागत करना। जे भाई बहन बहिन मन इकर बदे पढ़वाए या सुनवाए उमन के भी धन्यवाद देवाना। तो चलो हमारे आज के कार्यक्रम में जब इस तिमाही के तीसरी सभा के विश में आज हमारे उपस्थिति हुई और तीसरी सभा में परमेश्वर हमें पौलुस प्रेरित के पत्री के माध्यम से या वचन के माध्यम से हमें का सीखा चाहते हैं हमारे बिस्तर से देखा। पौलुस के पत्री तो पत्री के हिसाब से हमारे के नी ले सकीला, कहे कि ये परमेश्वर के अगुवाई के वचन जेके पौल प्रेरित इफिसी मंडली के सुनात रहा है समझात रहा है कि मंडली में शांति रहो प्रेम रहो और सब मिलजुल करके परमेश्वर के विश्वास में दिनों दिन आगे बढ़ते जाए। तो शेखर से हमरे बीते सवा दूसरी पाठ में हमरे देख रही परमेश्वर के अद्भुत योजना। ये परमेश्वर के अद्भुत योजना में हमरे देख रही परमेश्वर के दया और मनुष्य मन के पाप के क्षमा के बारे में सीख रहे। तो परमेश्वर पाप के क्षमा करण से हमके तीन चीज ने से अवगत कराना। एक तो हमरे के अपन बेटा बेटी के तौर पर स्वर्ग राज के नगरी बनाना, दूसरा जे हमरे के पाप के गुलाम से छुड़ाना, और तीसरा जे है हमरे के पाप क्षमा करेना और हमेशा उकर संगे रहे के लागी न्योता देवेना और आशीष देवेना और अगुवाई करेना। बीते सबत में हमरे देख रही। तो चलो आज के सबत पाठ अध्ययन के पहले हमरे छोटका सा प्रार्थना करब और अपने अपने के अपन बेटे परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप आपके पवित्र आत्मा के चलाई से हमरे अच्छी तरह से समझे और बुझे पर। परम पवित्र स्वर्गवासी पिता आपको धन्यवाद देते अरौरे के धन्यवाद देवीला रौरे के सो आशीष लगी कि पिता रौरे सप्ताह भर हमार शुद्धि ले ले और हर प्रकार के दुख तकलीफ मुसीबत शैतानी हरकत से बचाते हुए ये जीवन और स्वास्थ्य दिले कि प्रभु हमारे आज रौरे के आराधना करके लगे इतना विश्वासी बेटी बेटी भक्तगण उपस्थित होई या रौरे के अनमोल वचन के सुनाती। हे प्रभु हमारे सब पापी गुनहगार मनुष्य की हमार सब अपराध गुनाह के क्षमा करते हुए हमें पाक और शुद्ध और साफ कर कि प्रभु हमार दिल मन अंतकरण हमेशा शुद्ध और साफ रहो। जे रौरे के मंदिर हो और रौरे के चिरस्थायी बस स्थान भी हो सको और आपका रौरे के अगुवाई और संचालन दिन प्रतिदिन अपने बेटे बेटी पर होते रहो कि प्रभु हमारे शैतान के हर जालसाजी फंदों और झंझटों से बचते हुए रौरे के ही आराधना स्तुति करते रहो जब तक कि प्रभु रौरे हमरे के लेगे के लिए दोबारा नहीं आवा थी। प्रभु आज जितने सुना था या उपस्थित हुए हैं सबके प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अगुए मदद करूं कि प्रभु रौरे के जे हमारे जीवन लगिन जे योजना है संसार के आदमी लगिन जे मने गुड़ बात रहे कि योजना रहे कि उके हमरे आज ठीक ढंग से समझ सकब और दिन प्रतिदिन रौरे के पीछे चले वाला बन सकब। इस विनती के धन्यवाद के साथ रौरे के बेटा यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगेला आमीन। तो
मैं फिर से रोरे मन के स्वागत करो ना, जितना उपस्थित हुई ही और बाद में भी के सुबह। तो आज के पाठ हमारे के तीसरा पाठ के उकर शीर्षक है कि ईशु हमार समर्थी राजा। तो इस हफ्ता हमरे ईशु हमार का लेकिन समर्थी राजा है कि इकर बारे में पॉल प्रीत हमरे के कैसे बतात है हमरे आज बिस्तर से देखा कि आज के बचान पौलुस के पत्र तो फिसिमान लगिन रहे लेकिन आज हमार लगिन का मायने रखेला। तो आज के पाठ के याद बचन लिखन कहेला और उकर समर्थ हमार में जेवन विश्वास करे ना कितना महान है के उकर शांति के प्रभाव के उ काम के हिसाब से जे उ मसीह में करलें कि उके मोरल में से जिलाए के स्वर्ग में अपन दहिना बटे रखलें। इके हमरे इफिसी 1:20 में 1:19 और 20 में देखेला। पौल प्रेरित केर पत्री में इफिसी 1:15 से 23 में वचन हमें बताएला कि पौलुस अपन प्रार्थना में पिता से प्रार्थना करलन कि इफिसी मन के उकर प्रगाट के माध्यम से परमेश्वर के जाने के अनुभव हो। वो आशा से परमेश्वर के गुलाहट और वादा मन से जन्म लेवेला और वो विश्वास जेकर माध्यम से उमन यीशु मसीह के अनंत शक्ति के अनुभव कर सकबाय। उमन के ई आश्वासन देई के अपन प्रार्थना अखरी कर कि मसीह सो कोनो अपन अधीन कर ले हैं। तो आगे के प्रार्थना और धन्यवाद। इफिसी 1:15 से 30 के हिसाब से पौलुस सुन रहे हैं कि इफिसी मन में प्रेम और विश्वास बढ़ते जाते। इफिसी 1:15 में के देखिए इस समाचार सुन के इस समाचार सुनने के खुशी उके परमेश्वर के धन्यवाद देवे के प्रार्थना करे के लगिन अगुवाई करला। खेला ओर से मध्यस्थता हूँ करलें एक मध्यस्थता जे चिट्ठी के 14 से 21 में देखेला। पाल प्रेरित इफिसी और कलसिया के लगिन मध्यस्थ होला जे यीशु मसीह के नमूना के निभाते। हमरे तो जानिला कि यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ ही के प्रेरित हमरे उदाहरण के अनुसरण कार्य के लगिन उत्साहित करे ना और कहे ना लगातार प्रार्थना में लाइक रहा। पहला थे सुलनिया 5:17 में देखेला लगातार प्रार्थना में लाइक रहा इकर का मतलब है के चलू नीचे देखा। एक हमार हृदय हमेशा पवित्र आत्मा के प्रभाव लागिन खुला आहे। दूसरा हमरे परमेश्वर के धन्यवाद देवे के लागिन कारण खोजिला। तीसरा हमरे अपन समस्या मन के उकर हाथ में अर्पण कर देवीला। चौथा हमरे जीवन के कठिनाई में परमेश्वर के सलाह लेगीला। पांचवा हमरे सब खान परमेश्वर के अगुवाई में चलने के लगिन इच्छुक होइला। यही के हमेशा प्रार्थना लगातार प्रार्थना करे के मतलब। आगे के चलो जब सोमवार के पाठ में उकर शीर्षक के ज्ञान से आत्मा से आई ज्ञान जे आत्मा से अवेला
ठीक है, इफिसी 1:16-19 में देखेला। अगर हमरे परमेश्वर से बुद्धि मांगब तो वो हमें बुद्धि देवे, वो चीज मन के हूँ प्रगट करवाए जेके हमरे खुद समझे कि नहीं सकेला। 1:17 में देखेला, वो हमार आध्यात्मिक आँख आँखमान से पर्दा हटाए देवे और हमरे के अपन ज्ञान से भर देवे, ठीक है। हमारे इफिसी 1:18 में देखेला, हमरे ओहे लेखे देखा जैसे न परमेश्वर देखे ना। वचन से पौलुस हमरे के का समझे चाहत रहे, ठीक है। हमरे इफिसी 1:18-19 में विस्तार से देखेला। एक वो आशा जेकर लगिन हमरे बुलार जाही कि हमरे सॉरी वो आशा जेकर लगिन हमरे बुलाल जाही कि हमरे परमेश्वर के अधिकारी या खजाना के महिमा है कि। दूसरा ओकर शक्ति के अतुलनीय महत्ता हमार पक्ष में आहे। तीसरा पौलुस परमेश्वर से हमें ढंग से जाने के में सक्षम बने के लगे कहे ना, ये के हमरे इफिसी 1:17 में देखिला। चलो आगे देखा, मंगलवार के पाठ में का सीखे चाहे ना उका जेकर शीर्षक के यीशु के संगे मोरल मोरल मन में से जीव उठे, ये के हमरे 1 कुरिन्थी 15:20-22 में देखिला। पौलुस परमेश्वर के महान शक्ति के जेके वो हमार पक्ष में व्यवहार कराए ना समझाए के लगिन 2 गो उदाहरण के उपयोग कराए ना। यीशु के पुनरुत्थान और पिता के दाहिने हाथ बटे ऊपर बैठे की, इके इफिसी 1:20 में देखिला। चलो नीचे देखा कि परमेश्वर के शक्ति मनोष्ठिन कैसे काम करेला। एक हमरे के पुनरुत्थान के आश्वासन देवाना, ठीक है। हमारे 1 कुरिन्थी 15:20-22 में देखिला। दूसरा ई हमें अपन आशीर्वाद पावे के लगिन उकठिन आवे के लगिन सक्षम बनाएला, यानी 25 में देखेला। पवित्र उपस्थिति के आश्वासन जेके हमरे जूना 16:7 में देखेला। चौथा ई हमरे के उपहार देवेला, ठीक है। हमरे इपीसी 4:8-11 में देखेला। पांचवा ई आश्वस्त करेला कि सबकर ऊपरे यीशु के अधिकार आहे, ठीक है। इपीसी 2:9-10 में देख सकेला। यीशु पुनर्जीवित और श्रेष्ठ वो एखानो अपन सिंहासन में नखाए, वो स्वर्ग और पृथ्वी के सब शक्ति के नियंत्रण करेना, जेके हमरे मती 28:18 में देखिला। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार सो मोठिन है कहेना। आगे जब बुधवार के पाठ में जेकर शीर्षक है कि इस सब शक्ति से उत्तम है, इफिसी 6:12 में देखेला। यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु है कहें, सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और समर्थ और प्रभुता के और सब नाम के उपरे जे नी केवल ई दुनिया में मगर अवे के वाला दुनिया में हूँ लेगा जय एक इसमें कोनो नाम के आह्वान करे के हिसाब से इफिसी मान लगिन एक विशेष माने रहे। इस कीवा के बेटा मान यीशु के नाम से आह्वान कर के दुष्ट आत्मा मान के बाहर करे के कोशिश कर लें, मगर उमान उकार में विश्वास नहीं कर रहे हैं
जेके हमरे प्रिया 19 के रे 11 से 16 बिकला, लेकिन शैतान उमन के भटकाए देवेला। कहेला मैं पौलुस और यीशु मसीह के जनन तोहरे के है का मैं नहीं जाना, और उमन के भगाए देवेला से। तो शैतान के कितना ताकत और कितना बुद्धि आहे, के हर परमेश्वर के आदमी क्या, के हर शैतान के अपन आदमी क्या, सब अच्छे तरह से जानेला। शैतान के हमरे आसानी से ठके नहीं पड़ेगा, केवल यीशु मसीह के शक्ति और समझ से ही हमरे शैतान के हराए सकेला। उस समय में देवता मन या तो रक्षा से शक्ति के नाम के बुलाए एक साधारण बात रहे। यदुटोन्हा के किताब में लिखित एक प्रथा रहे जेके इपिसी मन नष्ट कर देलाएं, ना कि यीशु के नाम कोनो हूँ शैतानी शक्ति से ऊपर आहे। ओहे केवल हमरे के शैतान के हाथ से मुक्त कर सकाय ना। आगे के चालू जब गुरुवार के पाठ में यीशु सब कुछ और उकर कलसिया, आज के गुरुवार के पाठ के शीर्षक के यीशु सब कुछ और कलसिया, सब कुछ और उकर कलसिया। इपीसी 1:22-23 में वचन हमें बताया कि परमेश्वर यीशु के अपन दाहिने हाथ बटे बैठल है और उकर सब शत्रु मन के उकर चरण के चौकी के रूप में रखल है। इके भजन संहिता 110 के 1 में देखिला। तो यीशु विजयी के सर्वशक्तिमानी के शैतान कठिन टीके कहीं हो नहीं पारी। हमरे देखिला उकर चरण के तले उकर चौकी बना जाए, उकर मतलब शैतान हमेशा लगिन यीशु के पास आवे के नहीं पारी और हमेशा वो नष्ट हो जाए। हमार सब शत्रु उकर अधीन में आए, जैसे प्रधानता और अधिकार और समर्थ और प्रभुता और स्वर्गीय क्षेत्र में दुष्टता के आत्मिक सेनामान, इके हमारे पिछली 6 के बारे में देखेला। इकर अलावा यीशु कलीसिया के मुखिया भी है कहीं, वो उके एक सुरक्षित जगह में ले जाए ना। अधोलोक के फटाक उकर ऊपरे प्रबल हो नहीं सकेला, इके हमारे मती 16:18 में देखेला। मगर हमरे एखन तक सब कुछ यीशु के अधीन नहीं देखेला, इके हमरे इब्रानी 2:8 में देखेला। कहे कि एखन भी बहुत सारे आदमी शैतान के चंगुल में जकड़ है और शैतान के ओर से काम करात है, प्रधानता हो या पदरी हो, प्रचार हो, अधिकारी हो या देश के शासक, शैतान के चंगुल में कैसे भरा लाए। सेकर में सेकर लगे प्रकाशित वक्य भी कहेला कि उकर में मतवाला हो जाए, शुभ राजा प्रजा प्रधानता शक्तिशाली उकर कैसे गुलाम बन जाए। सेकर लगे पौलुस के प्रार्थना है कि हमार आत्मिक आँख खोल जाओ ताकि हमारे वो सही चीज के देख सका जे मन के एकान देख नहीं आते। तो सवाल उठेला का हमरे आज यीशु के शक्ति और अधिकार में भरोसा कर साथी और उकर चरण में आवा थी। चलो जब आगे में जे के अतिरिक्त अध्ययन इकर में एलएनजी व्हाइट कुलपति और भविष्य वक्ता अध्ययन 68 पृष्ठ 694 में ये लिखे
लिखे ना सब संसारिक सामान अनंत के नियंत्रण में हैं। सबसे शक्तिशाली शासक से सबसे क्रूर अत्याचारी से वो कहे ना यहाँ तक आवा और आगे ना बढ़ा। इके आय जो 3 के 8 से 11 में 38 के 11 में देखेला दुष्ट के सेना मन से मुकाबला करे के लागिन परमेश्वर के शक्ति के लगातार प्रयोग करल जाएला। वो हमेशा मनुष्य मनक बीच में काम कराएना उमनक विनाश लगी नहीं बरन उमनक सुधार और रक्षा लगी। आमीन। परमेश्वर के महिमा और बड़ाई जुगानुज होता रहे कहे कि परमेश्वर हमार रक्षा लगी हमेशा तत्पर है पाप क्षमा देवे और उधर के मार्ग में अपन बेटा बेटी बने के लगे। आमीन। परमेश्वर से वचन में आशीष दो। चलो के खत्म करे लेकिन हमारे छोटा सा प्रार्थना करब मैं रवरे मन फिर सुनने के बाद देना। चलो कर। हे महान स्वर्गवासी दीनदयालु प्रेमी पिता रवरे के आशीष धन्यवाद देविला कि हमरे के आज ये मौका सुजोग और जीवन दिले कि प्रभु ये पवित्र दिन में आज रौरे के इतना बेटा बेटी भक्तमान इकट्ठा होए के रौरे के आराधना और रौरे के अनमोल बचान के बारे में सुन सकीला सीख सकीला। हे प्रभु हमें उस शक्ति और समाज दे कि प्रभु हर रोज रौरे के इच्छा योजना के अनुसार जीवन जी सका और जे काम रौरे हमरे के सौंप भी प्रभु के अच्छी तरह से कर सका। जेकर से दुनिया के हमार बहुत सारे भाई बहन जे एखन भी प्रभु रौरे के योजना के इच्छा के उधर के योजना के नहीं नी समझ है सब के प्रभु नाश होने से बचा सका। प्रभु रौरे ही हमरे तेरे आड़ और ढाल हो। इस शब्द के आशीष हरेक रौरे के बेटा बेटी मन के बरसोक। धन्यवादी के साथ इस विनती के रौरे के बेटा यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगेला। आमीन। धन्यवाद।